हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जो सेस टैक्स है वो किस चीज पे लगता है, ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है टैली के अंदर, तो आज सेस टैक्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सेस टैक्स तो तब लगाया जाता है जबकि पान मसाला गुटखा या इस तरह की चीजों की बात हो, ठीक है, और इस पर गवर्नमेंट को बहुत लंबा चौड़ा मुनाफा भी होता है, तो इसीलिए इस पर सेस टैक्स लगाया जाता है। अब सेस टैक्स किस तरीके से लगेगा, किस तरीके से एक्टिवेट होगा, उन सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से F11 प्रेस करके GST ही चालू कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये GST है हमारा, यहाँ से यस करेंगे, एंटर करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर जाकर के इसे अल्टर भी कर लेंगे। तो यहाँ से यस करेंगे तो ये अल्टर हो जाएगा, और यहाँ पे HSN कोड भी डालना होगा, और यहाँ से ये टैक्सेबल करना होगा, ठीक है। टैक्सेबल करने के बाद क्या करना है, टैक्सेबल करने के बाद यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है और सेस टैक्स है। तो यहाँ पर 28% का इस पर क्या लग गया, GST लग गया। तो 28% का लगा तो 14% सेंट्रल और 14% स्टेट में ये डिवाइड हो गया। अब इस पर सेस टैक्स भी लगेगा, तो इस पर हम 50% का सेस टैक्स मान लीजिए लगाया गया है, ठीक है। इस पर भारी भरकम सेस टैक्स लगता है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो ये हो गया, अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ से आना है एंट्री पास करनी है। जैसे मान लीजिए आप कुछ परचेस करके लाएंगे, जो भी आपका टोबैको आइटम्स है उसको परचेस करके लाएंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अभी मान लीजिए कैश में आपने परचेस किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पे ये रेगुलर रख देते हैं, ये रेगुलर हो जाएगा, एंटर करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो ये परचेस का लेजर बनेगा। तो PURCHASE परचेस अकाउंट कर देते हैं, ये परचेस का लेजर हो जाएगा। यहाँ पे इसे परचेस के ग्रुप में डालेंगे, ये परचेस के ग्रुप में चला गया, एंटर करेंगे, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इतना काम तो हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए शुद्ध प्लस, एक टोबैको आइटम आता है शुद्ध प्लस, ठीक है, ये लिख दिया शुद्ध प्लस, इस तरीके से शुद्ध प्लस लिखा, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शुद्ध प्लस पैकेट्स में दिखेगा, पैक्स में दिखेगा, तो PKT कर देते हैं, और यहाँ पे PACKS पैक्स कर देते हैं, और यहाँ P प्रेस करेंगे तो ये पैक्स पैकेट आएगा इसमें, तो पैक्स कर देते हैं, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट भी सेट कर सकते हैं यहाँ से, तो खरीद रेट हमारी क्या पड़ी, एक पड़ी 4 रुपये की, तो हम बेचेंगे कितने का, 5 रुपये का बेचेंगे, ठीक है, या 6 रुपये का बेचेंगे, ठीक है, 6 रुपये का बेच देते हैं। तो ये हो गया, इस तरीके से कुछ आपको करना है, ठीक है। फिलहाल MRP रहने देते हैं, इसमें एंटर करते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी आएगी, तो यहाँ पर 100 पैकेट्स परचेस किए गए हैं, एक पैकेट 4 रुपये का है, तो 400 रुपये का सामान परचेस किया गया। यहाँ पे अब GST भी आएगी, तो पहले तो देख लेते हैं GST के लेजर बने नहीं हुए हैं, तो Alt+C करके हम CGST एंटर करेंगे, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर देंगे, और यहाँ पे GST कर देंगे, और ये सेंट्रल टैक्स है तो ये सेंट्रल टैक्स कर दिया, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पे एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा। तो ये देखिए 36 रुपये यहाँ पे, 56 रुपये यहाँ पे CGST आ गया। अब SGST भी बनेगा, क्योंकि CGST के साथ SGST भी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे GST ही है, और इस बार स्टेट टैक्स है ये, ठीक है, और यहाँ पर आकर के नॉर्मल राउंडिंग करना है और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराना है। तो ये CGST SGST तो बराबर से हो गया। अब यहाँ पे सेस टैक्स बनाएंगे, सेस, ठीक है, CEES सेस टैक्स, TAX, ठीक है। अब ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, अब ये GST लगाएंगे, और ये सेस टैक्स है, यहाँ पे GST ही है लेकिन ये सेस टैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सेस कर देंगे, और सेस करके, और ये क्वांटिटी के बेस पे जाएगा या वैल्यू के बेस पे जाएगा, तो हम क्वांटिटी नहीं बल्कि वैल्यू के बेस पे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे नॉर्मल राउंडिंग करके, और यहाँ एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेस टैक्स भी कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। पहले तो इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब ये बिल कैसा दिखेगा, ये देखिए, ये हमारा बिल है, ये लास्ट वाला, और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये आई बटन प्रेस किया, ये हमारा बिल है, ठीक है। अब ये परचेस का बिल है, सेल्स का बिल नहीं है, ठीक है। अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको सेल करेंगे, तो जरा एक मिनट चलते हैं सेल्स वाउचर में। अब यहाँ से ये आए, वी बटन प्रेस किया, और यहाँ से F8 प्रेस करके आ जाएंगे सेल्स वाउचर में, यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे, और हमारी पार्टी कौन सी है, हमारी डेटर पार्टी है, हम उधार का बेच रहे हैं, नहीं चलिए कैश का बेच देते हैं इस बार, ठीक है, कैश कर दिया हमने, कैश का लेजर नहीं बनता है, आपको पता ही है, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स का लेजर बना लेंगे, तो ये सेल्स का लेजर हो गया, एंटर करेंगे, ये जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट, तो ये सेल्स अकाउंट हो गया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये हो गया। अब हम शुद्ध प्लस जो आइटम था, टोबैको आइटम, उसको लेते हैं। तो मान लीजिए किसी ने 5 पैकेट्स खरीदे, तो उसकी कीमत हुई 30 रुपए, अब उस पर टैक्स भी लगेगा, तो सबसे पहले हम लगाते हैं CGST, ठीक है, क्या लगाएंगे, CGST लगाएंगे, ठीक है, एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर CGST लगाते हैं, यहाँ से C प्रेस किया, तो ये देखिए CGST आ रहा है, इस पर टैक्स लग गया, ठीक है, 4 रुपये 20 पैसे का टैक्स लगा। और फिर SGST भी आएगा, तो ये SGST हो गया आपका, ठीक है, तो ये SGST हो गया, CGST हो गया, और यहाँ पे सेस टैक्स भी आएगा, तो ये सेस टैक्स लगा देते हैं, तो ये कुल मिला करके 53 रुपये 40 पैसे कितने का आया,
पांच पैकेट कितने के आए, 53 रुपए 40 पैसे। अच्छा एक पैकेट कितने का आएगा, यहाँ पर ये कैलकुलेट करके देखना बड़ा जरूरी कि एक पैकेट कितने का आएगा। तो एक आएगा देखिए कितने रुपए का, 6 रुपए का आएगा, ठीक है। और कुल मिला के कितने का मिलेगा, 10 रुपए 68 पैसे का मिलेगा टैक्स वगैरह लेकर के, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट होगा। अब इसको एंटर एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करा लीजिए, बस इस तरीके से एंट्री पास करनी है आपको, ठीक है ना। सेस टैक्स यही होता है, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि सेस टैक्स कैसे निकालते हैं, क्या होता है, तमाम चीजें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।